हेलो एवरीवन आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड विद स्फीयर एंड हेमस्फेयर तो पहले हम स्फीयर की बात कर लेते हैं ये आपके सामने देखिए स्फीयर है रेडियस इसका आर है तो इसमें हाइट भी आर है हाइट तो पहली बात होती नहीं है जिस तरफ भी हम नज़र डालें उस तरफ हमें क्या मिलेगा रेडियस ही, ही मिलेगा ओके okay. तो यहाँ पर इनका जो सरफेस एरिया होता है कर्ड सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो दोनों की वैल्यू होती है फोर पाई आर स्क्वायर ये आपका सरफेस एरिया या टोटल एरिया हो गया फोर पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका होता है फोर डिवाइड बाई थ्री पाई आर क्यूब ठीक है तो आपका सरफेस एरिया कर सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम जो है वो है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ये स्फेयर के लिए हो गया अब चलिए बात करते हैं हेमस्फेयर के लिए तो हेमस्फेयर का यहाँ पर भी रेडियस आर ये इसका कर्व पार्ट है तो इसका अगर कर्व सरफ़ेस एरिया हम फाइंड आउट करें तो ये होगा हाफ ऑफ दैट टोटल सरफेस एरिया तो टू पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये जो करड सरफेस एरिया है ये भी होगा इसमें इंक्लूड और यहाँ पर ये जो एक सर्कुलर पार्ट है ये एक फ्लैट सर्कुलर पार्ट है तो फ्लैट सर्कुलर पार्ट क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा थ्री पाई आर स्क्वायर ओके करड सर्फेस एरिया टू पाई आर स्क्वायर टोटल सर्फेस एरिया थ्री पाईआर स्क्वायर और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम होगा टू डिवाइड बाई थ्री पाईआर क्यूब तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं वॉल्यूम टू बाई थ्री पाईआर क्यूब कउट सर्फेस एरिया टू पाई आर स्क्वायर टोटल सर्फेस एरिया थ्री पाई आर स्क्वायर ओके चलिए अब प्रॉब्लम्स डिस्कस तो पहला प्रॉब्लम है कि फाइंड द सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्क्र ऑफ द फॉलोइंग रेडाई तो जैसे पहला प्रॉब्लम रेडियस दिया है फोर सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो सरफेस एरिया एस सरफेस एरिया एस इजिक्वस टू फोर पाई आर स्क्वायर इजिक्वस टू फोर इंटू पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर एंड आर स्क्वायर सो फोर का स्क्वायर सो फोर इंटू फोर फोर पाई आर स्क्वायर राइट सो यहाँ पर ये फोर इंटू फोर सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर इंटू थ्री पॉइंट वन फोर सो सिक्सटी फोर इंटू थ्री पॉइंट वन फोर यहाँ पर ये एरिया अगर हम कैलकुलेट करें थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर की सहायता ले लेता हूं आपको यहां पर कैलकुलेटर यूज नहीं करना है मैनुअली कैलकुलेट करके देखना है तो कैलकुलेशन में सिर्फ थोड़ा समय ज्यादा जाएगा इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं 200.96, 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही हम 9 सेंटीमीटर के लिए और 3.5 सेंटीमीटर के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये जो दो प्रॉब्लम है ये आप आपकी प्रैक्टिस के लिए इसे कर सकते हैं सेकेंड प्रॉब्लम द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिसफेयर इज फाइव सेंटीमीटर अब यहाँ पर ये हेमिसफेयर दिया है हमें देन फाइंड इट्स करफेस एरिया एंड टोटल सर्फेस एरिया पाई की वैल्यू दी है तो रेडियस uh, हमें दिया है फाइव सेंटीमीटर करफेस एरिया होता है टू पाई आर स्क्वायर तो so, ये हो जाएगा टू इंटू फाइव की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर स्क्वायर मतलब फाइव का स्क्वायर सो टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव इंटू टू ये हो गया फिफ्टी फिफ्टी इंटू थ्री पॉइंट वन फोर सो फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव फोर द ट्वेंटी ये जो ज़ीरो है इसकी वजह से एक जीरो और आ जाएगा फाइव वन दाइव प्लस टू सेवन एंड फाइव थ्री 15 और डेसिमल के बाद यहाँ पर दो डिजिट है तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद दो डिजिट तो कर्व सरफेस एरिया जो है वो हो गया वन फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर सो 3 पाई थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर r आर की वैल्यू है यहाँ पर फाइव फाइव का तो अगेन ये थ्री इंटू थ्री पॉइंटी फाइव ट्वेंटी फाइव थ्री दा सेवेंटी सो सेवेंटी फाइव इंटू थ्री पॉइंट वन फोर सो सेवेंटी फाइव इंटू थ्री पॉइंट वन फोर टू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया तो दिस इज आपका सेकेंड क्वेश्चन इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम अब यहाँ पर हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है तो सरफेस एरिया एस दिया है 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है फोर पाई आर स्क्वायर तो फोर पाई आर स्क्वायर इज़ टू एट टू सिक्स तो पहली बात हमें पाई की वैल्यू पता नहीं है फोर इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर स्क्वाजिक्स टू टू एट टू सिक्स तो देर फोर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे हम्म तो फोर फोरदा 16 फोर वन द फोर वन फाइव एंड फोर थ्री द टेल्व सो ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स इंटू आर इज़ एजिक्स टू टू एट टू सिक्स सो देर फोर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टू एट टू सिक्स डिवाइड बाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स तो यहाँ पर आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे टू एट टू सिक्स जीरो ज़ीरो डिवाइड बाई वन टू फाइव सिक्स सो so, आप थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के लॉन्ग डिविजन करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर टू एट टू सिक्स ज़ीरो ज़ीरो डिवाइड बाय वन टू फाइव सिक्स आंसर क्या मिलेगा टू ट्वेंटी फाइव आंसर आपका मिल जाएगा तो आर स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई टू ट्वेंटी फाइव सो देरफोर रेडियस कितना होगा रूट ऑफ़ टू ट्वेंटी फाइव रूट ऑफ टू ट्वेंटी फाइव इज़ फिफ्टीन सो so, रेडियस हो गया यहाँ पर हमारा 15 यहाँ पर हमें क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम अब वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम इज इक्व टू फोर डिवाइड बाई थ्री पाई आर क्यूब सो इट इज़ फोर डिवाइड बाई थ्री एंड पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर एंड आर क्यूब मतलब पंद्रह का हमें क्या करना है क्यूब करना है सो दिस इज़ इक्व टू फोर डिवेड बाई थ्री चलिए यहाँ पर भी कैलकुलेटर यूज़ कर ही रहे हैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं फोर डिवाइड बाई थ्री इंटू पाई थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर क्यूब मतलब पंद्रह का मुझे क्या करना है क्यूब करना है तो so, यहाँ पर फोर्टीन क्या आंसर था फोर्टीन वन थर्टी फोर्टीन वन थर्टी सो फोर्टीन वन थर्टी सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया हमारा वॉल्यूम राइट right? तो so, ये थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन पे हम जाते हैं फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इफ इट्स वॉल्यूम इज थ्री एट एट जीरो एट क्यूबिक सेंटीमीटर सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम दिया है वॉल्यूम इज गिवन थ्री एट एट जीरो एट तो पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे फोर डिवाइड बाई थ्री पाई आर क्यूब टू थ्री एट एट जीरो एट और पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू डिवाइड बाई सेवन सो यहाँ पर फोर डिवाइड बाई थ्री इंटू ट्वेंटी टू डिवाइड बाई सेवन इंटू आर क्यूब इजिक्स टू थ्री एट एट ज़ीरोट सो देर फोर आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी थ्री एट एट ज़ीरोट मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई सेवन डिवाइड बाई फोर इंटू ट्वेंटी टू सो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर आप फोर से कट कर सकते हैं इसे फोर फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स टू ट्वेंटी एट फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट फोर टू ज़ा एट फिर इसे हम टू से कट कर लेते हैं टू से कट करेंगे तो इलेवन यहाँ पर टू फोर ज़ा एट वन नाइन सेवनटीन हो गया टू एट ज़ा सिक्सटीन टू फाइव ज़ा टेन टू वन ज़ा यहाँ पर फाइव प्लस फोर नाइन एट प्लस वन नाइन तो अगर इवन प्लस पे जो नंबर है और आउट प्लस पे जो नंबर है उनका डिफरेंस जीरो या एवन के मल्टीपल में आता है तो नंबर एलेवन से डिवाइड होता है तो यहाँ पे एलेवन से डिवाइड कर देंगे एलेवन फोर ज़ा फोर्टी फोर फिर फोर हो गया फोर्टी फाइव एलेवन फोर ज़ा फोर्टी फोर एक हो गया एलेवन एलेवन वन जलेवन तो यहाँ पर हमें आर क्यूब की वैल्यू मिल गई आर क्यूब इजिकल्स टू फोर फोर वन इंटू थ्री इंटू सेवन चलिए ये जो फोर फोर वन है इसका अगर हम फैक्टर करें तो थ्री से डिवाइड कर सकते हैं थ्री वन दा थ्री थ्री फोर दा दल्व ट्वेंटी वन थ्री सेवन ट्वेंटी वन फिर वापस से थ्री से कर सकते हैं थ्री फोर दा ट्वेल्व एंड थ्री नाइन दा और फिर ये फोर्टी नाइन को सेवन इंटू सेवन कर सकते हैं ठीक है तो ये जो फ़ोर फोर फोर है इसको हम लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू सेवन और यहाँ पर ऑलरेडी थ्री इंटू सेवन है तो हम देखेंगे थ्री थ्री और थ्री ये तीन का एक यहाँ पर ग्रुप बनता है और इसी तरह से सेवन 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 का एक ग्रुप बनता है ये आर क्यूब है सो देरफोर आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सो so, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये ग्रुप और ये ग्रुप से एक एक नंबर लेंगे यहाँ से थ्री लिया यहाँ से सेवन लिया सेवन थ्री दा ट्वेंटी वन सो so, जो आपका रेडियस है रेडियस हो गया आपका 21 सेंटीमीटर ओके फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर अब सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो सरफेस एरिया सरफेस एरिया के लिए फार्मूला है स्फियर um, है तो यहाँ पर सरफेस एरिया के लिए फार्मूला होगा सरफेस एरिया इज़ फोर पाई आर स्क्वेयर सो फोर इंटू पाई पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू डिवाइड बाई सेवन ट्वेंटी टू डिवाइड बाई सेवन इंटू आर स्क्वायर मतलब ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन तो यहाँ पर कैलकुलेशन होगा हमारा फोर इंटू ट्वेंटी टू डिड बाई सेवन इंटू ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन डबल फाइव डबल फोर गलत जगह पे कॉमा दिया है हमने फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर स्क्वायर ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया फोर्थ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नेक्स्ट पे जाते हैं हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर इज एटीन ट्रिपल जीरो क्यूबिक सेंटीमीटर फाइन इट्स डायमीटर। वॉल्यूम हमें दिया है वन एट जीरो 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 पाई डायमीटर फाइंड आउट करना है सो वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फोर डिवाइड बाई थ्री पाई आर क्यूब तो फोर डिवाइड बाई थ्री पाई आर क्यूब है वन एट ज़ीरो 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 पाई ये पाई ये पाई कैंसिल सो देर फोर आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आर क्यूब इज़ वन एट ज़ीरो 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 इंटू थ्री डिवाइड बाई फोर सो आर क्यूब एजिकल टू वन एट ट्रिपल जीरो इंटू थ्री डिवाइड बाई फोर तो फोर से कट कर लेते हैं फोर फोर ज़ा सिक्सटीन टू ट्वेंटी फ़ोर फाइव ज़ा ओके फोटी फाइव थ्री ज़ा तो थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन थ्री फोर ज़ा कुछ तो गड़बड़ है वॉल्यूम ऑफ हेमिसफियर अच्छा वॉल्यूम ऑफ हेमिसफियर है तो वॉल्यूम ऑफ़ हेमिसफियर तो यहाँ पर ऑफ़ uh, हेमीस्फेयर में फोर बाई थ्री की जगह क्या होता है टू बाई थ्री होता है सो टू बाई थ्री अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर फोर से डिवाइड करना नहीं है यहाँ पर हमें टू से डिवाइड करना है और टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें 45 फाइव नहीं आएगा हमें नाइन्टी आएगा और नाइन्टी को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी हो जाता है सो so, ये हो जाता है आपका ट्वेंटी सेवन थाउजेंड आर क्यूब तो ट्वेंटी सेवन जो है वो थर्टी का क्यूब है सो आर क्यूब इज इक्स टू थर्टी क्यूब सो देर फोर आर इज टू थर्टी सेंटीमीटर सो रेडियस है थर्टी सेंटीमीटर अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर था फाइंड इट्स डायमीटर तो रेडियस थर्टी है सो देर फोर डायमीटर कितना होगा डायमीटर इज़ टू टाइम्स रेडियस इज इक्स टू टू इंटू थर्टी सो टू इंटू थर्टी की वैल्यू कितनी होगी सिक्सटी सेंटीमीटर सो डायमीटर है आपका 60 सेंटीमीटर तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जिसमें हमने स्फीयर और हेमीस्फेयर को आज डिस्कस किया है तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक के साथ धन्यवाद